उज्जैन शहर में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते शहर में अंडे, चिकन और मटन की दुकान बंद कराई गई। जिले में लगातार पक्षियों की मौत की सूचना और सैंपल लेने के बाद उज्जैन प्रशासन सतर्क चौकन्ना हो गया है और शहर में नॉनवेज की दुकानें बंद कराई और कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानदारों ने आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के सामने इन दुकानदारों की नहीं चल पाई और शहर के अंदर चलने वाली नॉनवेज की दुकानों पर कार्रवाई की गई। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कार्रवाई की है शासन के जो आदेश आए बर्ड फ्लू के संबंध में बंद करने के बर्ड फ्लू संबंध में आज हमारा आयुक्त महोदय के आदेश हुए। उस क्रम में आज हम जितने भी मुर्गे उनकी दुकान है वहाँ की दुकान बंद करने का आदेश दिए हैं। उस क्रम में आज हमने भजनपुरा की मीट की दुकानें या दुकानें बंद। किसी प्रकार की कार्रवाई वगैरह भी की है क्या आज? आज अभी समझाइश दी है कि जब तक वो बीमारी चले जब तक आपको बंद। हमारा कहना ये है कि नगर निगम कम से इस ओर ध्यान रखे और मटन की दुकानें, नॉनवेज की जो भी दुकानें इनको एक साइड में लगाया जाए और इनका एक मार्केट बनाया जाए, अच्छा सुंदर मार्केट बनाया जाए और उसमें हो तो कम से कम नगर निगम को इसकी आवक भी होगी और रास्ता जो नगर निगम को पैसा मिलेगा इसका। और अभी कहीं भी अलग अलग लोगों ने लगा रखे, जगह 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 मटन की दुकान करा रखी, कहीं कहाँ रखा है कहीं कहाँ लगा रखी, इनको कहीं नहीं ऐसी साइड में जगह दी जाए जब बीबी दुकान वगैरह बना दी जाए और दुकान का सही उपयोग होता रहे और नगर निगम अपने जाके सील वगैरह लगाएँ, उस पर अच्छा बुरा मटन भी नहीं मिले, खराब जानवर नहीं कटे, उस पर ध्यान रखा जाए तो कम से कम जनता का भी ध्यान उस पर रहेगा। और महाकाल क्षेत्र से हमारा कहना है कि महाकाल के एरे मेरे बहुत सारी मटन की दुकान रहती है, इसको कम से कम दूर किया जाए और कहीं भी इनको दुकान दी जाए, ऐसा मार्केट बना के इनको दुकान इनकी बनाई जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।